हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो ये सुबह के टाइम का पूजा वगैरह हो चुका है, मम्मी कर चुकी हैं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट नहाते हैं और बाबू को स्कूल भेजना रहता है 8:30 बजे, तो हम उधर लग जाते हैं और पूजा इधर मम्मी पापा कर लेते हैं। फिर उसके बाद तुरंत चाय पीते बोलो तो मैं बाबू का लंच बनाने के बाद फिर तुरंत नहाती हूँ क्योंकि उसके बाद हस्बैंड भी जाएंगे 8:30 बजे और पापा भी 9 बजे जाएंगे। तो यहाँ पे भोग वगैरह लग गया है, यहाँ पे कान्हा जी सभी देवी देवता बैठे हैं और पूजा पाठ अच्छे से हो चुका है, देख सकते हो आप। और ये नवरात्रि का तीसरा दिन है और यहाँ पे मेरी हेल्पर है, चाय पानी पी रही थी तो मैंने छूट कर लिया। और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए आलू बना दिया, फिर मम्मी खा पी के गई अम्मा को देखने। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं पैर में कलर लगा लेते क्योंकि बहुत दिन हो गया कलर लगाए, मैंने कहा कि लाने पैर में कलर लगा देते हैं। हम मन कर रहा था तो मम्मी बोली कि हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम व्रत हैं और हम अब उसे दिन श्रृंगार करेंगे और वह बनेंगे। जिस दिन हम रंग के बैठते हैं उसको फिर मॉर्निंग बाद ही रंगेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो फिर मैं भी नहीं रंगने वाली थी, मम्मी बोली तुम रंग लो। तो फिर मैंने मम्मी चले गई तब मैं रंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, मैं कर लूँ और मम्मी ना करूँ तो अच्छा नहीं लगता। फिर मम्मी जब चली गई तो मैंने कलर कर लिया। और यहाँ पे देखो मैं पायल और यहाँ पे मैंने कलर कर लिया और मैंने वही गांव वाले जो आता था ना वो, तो यहाँ पर मैं शाम को पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। आप देख सकते हो हमारा तो देवी का जैसे ही रहता है क्योंकि पाता प्रसाद भगवान जी का। और यहाँ पे मैं लड्डू को छत पे घुमाने ले गई तो यहाँ पे इसकी बदमाशी चल रही है और पीछे वाइस जो आ रही है वो बाबू जिद कर रहा है मैंगो खाने के लिए, तो पापा वही मना कर रहे हैं कि भी मत खाओ अभी पूजा हो जाएगा। तो खाना यहाँ पे हमने इंजॉय किया, फिर शाम का खाना बनाया, फिर प्रसाद बनाने